चलो HP 589 की इंस्टॉलेशन करते हैं। तो यूज करेंगे इसके इंक वगैरह। अभी हम इसको निकाल लेते हैं, ये आ गया प्रिंटर, इसको हटा दो। इसकी थैली को निकाल लेते हैं आराम से, इनको पहले रिमूव करना पड़ेगा। ये हो गई इसका पेन लोडर, और ये देखो पहले इसको रिमूव करना है और इसको खींचेंगे। ये गत्ता आ गया बाहर, यहाँ से इसको ऐसे खोलेंगे फ्रंट ट्रे को, ये आ गया, ये गत्ता लगा हुआ है तो भी हटा दो। और तो कुछ नहीं है, ये रहा। नीचे निकाल दो, ठीक है। अब इसमें इसको करते हैं अभी बंद, और इसके बाद यहाँ पे आ जाओ। तो इसके अंदर ये है पावर कोड और ये USB। पावर कोड ले लेते हैं अभी हम और इसको लगाते हैं। ये पावर कोड है, इसको लगा देंगे यहाँ पर, कोई सी साइड से भी लग जाएगी। ये लग गई है, अब इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है। देखिए ये इसके अंदर आ गई है लाइट, ये वाईफाई के सिग्नल ऑन हो गया। तो अब ये इंक डाल लेते हैं इसमें। तो इंक के लिए सबसे पहले हम डालेंगे ब्लैक वाली। इसके लिए हमें चाहिए कटर या फिर कैंची। ये काट ली है, और ये बोतल है इंक ओरिजिनल HP वाली। और अब इसके लिए ट्रे को ओपन करेंगे यहाँ से, और ये वाला ब्लैक वाला है, ब्लैक वाली की लीड को ओपन करेंगे इधर से, और यहाँ पर बस इसमें लगाना है ना। तो अब इसको खोल लेते हैं, ये खुल गया है ऊपर का ढक्कन, और इसको लेना है और यहाँ पर लगाकर और इसको दबा देना है। बस इसको स्क्वीज नहीं करना है, इसको ये ध्यान रखना है आपको, सिंपल लगा के छोड़ देना। देखिए इंक अंदर जानी शुरू हो गई है, और जैसे ही चली जाएगी उसके बाद ये बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लेवल आप देख सकते हैं, इतना लेवल हो गया, इतना लेवल, और ये देखिए काफी अच्छा है। इससे हाथ गंदे वगैरह नहीं होते, जो दूसरे प्रिंटर है उनके अंदर हाथ गंदे हो जाते हैं, बहुत ही अजीब सिस्टम है, लेकिन इसका बहुत ही अमेजिंग मुझे सिस्टम लगा, काफी काफी बढ़िया है। देखिए अब ये कम्प्लीट इंक इसकी फिल हो चुकी है, उसके बाद ये बंद हो जाएगी। तो देखिए अब जैसे बर्नी बंद हो गई है, तो सपोज करिए अगर किसी कारण से ये इंक फ्लो नहीं हो रही है, नहीं जा रही है, तो आपको इसको सिंपली रिमूव कर देना है। देखिए यहाँ से रिमूव करके और इसको फिर दोबारा लगा के दोबारा दबा देना है, जिससे कि फिर दोबारा इसके अंदर जानी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देखिए इंक चली गई है, और अब हम इसको हटा लेते हैं। तो ऑलमोस्ट पूरा कम्प्लीट हो गया है, और इसमें इंक ब्लैक में बचेगी आपकी, बाकी वाली छोटी है ये देख सकते हैं आप, ये जो बोतल है ये बोतल छोटी है, ये बचेंगी नहीं, ये पूरी लग जाएंगी, लेकिन ये वाली बचेगी ब्लैक वाली। तो इसका ध्यान रखना आपको, कभी आप जबरदस्ती इसके अंदर डालने की कोशिश करो तो प्रिंटर खराब हो जाएगा। अब इसको जैसे बनने के बाद इसको वापस निकाल लो, और इसको वापस अच्छे से टाइट करना है, ताकि बाद में इसको हम यूज कर सकें और ये सूखे ना। अब हम ऐसे ही करके इस वाली को डाल लेंगे और इसको भी डाल लेंगे, ठीक है। हमने मैजेंटा इसे खोल देते हैं, और इसमें यहाँ पे लगा के थोड़ा बस सिंपल प्रेस कर देंगे सीधा। अब ये लगना शुरू हो गया, और देखिए देखिए यहाँ पर जानी शुरू होगी, और ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी इसको। अब ये ब्लैक को हमने बंद नहीं करा, अब लगा देते हैं येलो, अब फाइनल सियान कलर इसमें कर देते हैं डार्क। तो सारे कलर्स हो चुके हैं, सब कलर हो गए। अब हम करेंगे हेड इंस्टॉलेशन। तो ये निकालेंगे, ये है हमारे दो हेड, ठीक है, इसको खोलेंगे बाय द यूज ऑफ कटर। इंस्टॉलेशन, तो ये ब्लैक हेड है, तो ब्लैक वाले में लगेगा, और ये वाला है ट्राई कलर वाला, ये आप देख सकते हैं इसमें पर्पल कलर है, और इसके अंदर है अपना ब्लैक कलर। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम करेंगे बंद, फ्रंट वाले को। इसको बंद करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे, और ये थोड़ा कुछ इसके अंदर अजीब सी साउंड आएगी एरर की, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पर इसने दिखा दिया है कि आपको हेड इंसर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, दो इस तरह से दिखा रहा है ना। तो ये देख सकते हैं आप इसके अंदर एरर है। तो अभी हम इसको खोलेंगे, और ये देखिए ये आ गया। तो ये हमारी टेप है, इसके अंदर ये टेप हमें इसके अंदर पहले रिमूव करनी पड़ेगी, ठीक है। रिमूव करने के बाद तो अभी ये जो है इसका ये ऑरेंज वाला, इसको आपको थोड़ा सा घुमाना है और इसको बाहर निकाल देना है, ये निकल जाएगा हमारा, और ये इसको हमें फेंक देना है, ठीक है, इसी हमारे किसी काम का नहीं है, बाकी आप इसको रख सकते हैं। अब हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे ये वाला ब्लैक, हमारी ब्लैक है ना ये, तो ब्लैक के लिए ये टेप को हटाएंगे। हाँ, तो पहले टेप को रिमूव कर देंगे, ताकि ये जो हेड है यहाँ से क्लीन हो जाएगी, यहीं से प्रिंटिंग होगी, ठीक है। ये जो है इसको पुल करना है यहाँ से, ये पुल कर लिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर देखिए इसका मुंह जाएगा उधर, ये इस साइड में ब्लैक है ये देख सकते हैं आप, और ये ट्राई कलर है, इसमें कलर भी दिया हुआ है, तो ब्लैक दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसको लगाने का तरीका देखिए, यहाँ से आप अगर ऊपर उठा के लगाओगे तो लगेगा नहीं, तो आपको इसको सिंपली नीचे ही रखना है, जिसको नीचे लगाना है देखिए बिल्कुल खांचा आ जाएगा उसके अंदर, ये देख सकते हैं इन पॉइंट में फंसाना है, और उसके बाद इसको सिंपल अंदर कर देना, ये अंदर चले जाएगा। और ऐसे ही अब हम ट्राई कलर वाले को लेंगे, इसका टेप को रिमूव करेंगे, सेफ्टी टेप को, और इसको पुल कर देंगे, और इसको करेंगे इधर, ये देखिए ये वाली चीज आपकी अंदर होनी चाहिए। अब इसको यहाँ पर बिल्कुल ऐसे करेंगे आराम से, और ये फिक्स हो गई, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं, और उसके बाद इसको कर देंगे क्लोज। तो देखिए अभी इसके अंदर कुछ एरर आएगा, ये थोड़ा सेट हो जाए एक बार, अभी देख सकते हैं
आप इसके अंदर कुछ पेपर का एरर इसके अंदर दिखा रहा है, थोड़ा सा टाइम इसको लगेगा। तो आप ये पीछे की लिड खोल के इसको यहाँ पर खोल के और इसमें आप अपना पेपर एक इसके अंदर ऐड कर देते हैं हम, ठीक है। और उसके उससे पहले ये जो ट्रे है हमारी, ट्रे को देखिए हम ऐसे खोल सकते हैं और ये यहाँ से ऐसे खुल जाएगी, ठीक है। तो अभी पेपर इसके अंदर हम इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ से ऊपर से, और इसकी जो ट्रे है ये यहाँ पर ये साइज के लिए होती है, इसको आप इधर ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। और इसको फिर पेपर के हिसाब से इसको आपको एडजस्ट करना है ताकि ये पेपर बिल्कुल इसके अंदर हो जाए, ठीक है। नहीं करोगे तो फिर आपको टेढ़े मेढ़े प्रिंट निकलेंगे, ठीक है। ये हो गया और देखिए इसने पेपर लेना शुरू कर दिया है, प्रिंट निकालना, और इसको खोल सकते हैं और पेपर यहाँ पर प्रिंट आ रहा है, पेपर देखिए आ रहा है स्लो स्लो ये प्रिंट निकालता है। अभी ये सैंपल वाला पेपर है तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ये बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए प्रिंट आ गया है, ये सैंपल पेपर होता है। अब इसको खोलना है यहाँ पर, इसमें लगाओ, अब इसको यहाँ पर ओपन कर लेना है और इसके अंदर यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर देना है और इसको बंद कर देना है, ठीक है। ये अब इसको एक बार स्कैन करेगा, ये देखिए ये फोटो का ये फोटोकॉपी वाला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कॉपी वाला, इसको आपको प्रेस कर देना है और प्रेस करने के बाद ये फिर इसके अंदर एक बार इसको स्कैन करेगा और हमारा ये सेटअप इसके अंदर कम्प्लीट हो जाएगा, बेसिक सेटअप। अब ये देखिए हो गया, तो ये सेटअप अब हमारा कम्प्लीट हो गया है। अब हमें सिर्फ करना है इसको ऐप से कनेक्ट, तो उसके लिए 123.hp.com पे जाएंगे और या फिर आप प्ले स्टोर के अंदर से भी HP प्रिंटर की ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। तो ऐप का नाम है HP स्मार्ट, वो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर PC में कर रहे हैं तो PC में भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं hp.123.hp.com वेबसाइट पे, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो अब आपको ऐप का सेटअप इसके अंदर दिखाते हैं। प्ले स्टोर से HP स्मार्ट ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और ओपन कर लेना है। अब एड योर फर्स्ट प्रिंटर पे क्लिक करना है, यहाँ से न्यू प्रिंटर पे क्लिक करना है, उसके बाद वाईफाई सिलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है, अलाउ एंड देन ओके। लोकेशन को वाइल यूजिंग ऐप सिलेक्ट करना है, अब टर्न ऑन ब्लूटूथ आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, अब अलाउ पे सिलेक्ट करना है। कुछ देर में आपका प्रिंटर शो हो जाएगा। अब अपने वाईफाई के पासवर्ड को एंटर कर देना है, उसके बाद ऐसा मैसेज आएगा। आप प्रिंटर पे इंफॉर्मेशन वाले बटन को प्रेस करके कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है और रिलीज कर देना है, उसके बाद ये सेटअप चालू हो जाएगा और आपके वाईफाई का नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करना है। अब आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है या फिर स्किप अकाउंट एक्टिवेशन पे क्लिक कर दो। उसके बाद एक पेज प्रिंट होगा ऐसा, जिस पे सब इन्फॉर्मेशन होगी। अब आपको HP पे एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है, वरना ये ऐप वर्क नहीं करती है और बार बार आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगी। अब देखो HP स्मार्ट ऐप के अंदर जैसे ही आपने लॉगिन कर लिया है, उसके बाद आपको जैसे कोई प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ पर देखिए आपके प्रिंटर वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। जैसे प्रिंट आउट कोई निकालना है तो आपको यहाँ पर ही सारी चीजें मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप यहाँ पर क्लिक करना है व्यू एंड प्रिंट, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर माई फोटो या PDF जो भी आप की फाइल हो वो आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ माई फोटोज, और यहाँ पर मुझे ये वाली फोटो जैसे प्रिंट करनी है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ पर हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने में क्या है कि बेसिकली अगर आप फोटो प्रिंट करते हैं तो कोई भी प्रिंटर हो उसमें वो डार्क आता है, तो इसको थोड़ा सा आपको ब्राइट करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एडजस्ट में ब्राइटनेस, और इसकी ब्राइटनेस को हम हल्का सा बढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि हमारा प्रिंट सही आए, ठीक है। ये होने के बाद अब हम जाएंगे वापस और इसके बाद डन ऊपर क्लिक करेंगे, डन पे। अब यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, ये कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आपको दिख जाएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पेपर आपको कौन सा कलर करना है, अगर कलर पे प्रिंट निकालना है तो कलर सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर ISO वगैरह ये A4 साइज आप पेपर का चूज कर सकते हैं। मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्वालिटी करेंगे, तो यहाँ पर अभी हमें क्वालिटी नॉर्मल क्वालिटी करनी है क्योंकि मैं अभी इसके अंदर नॉर्मल पेपर यूज कर रहा हूँ। अगर आप प्रीमियम पेपर यूज करते हैं तो उसके अंदर आप यहाँ से बेस्ट चूज कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक, अभी मैं नॉर्मल कर रहा हूँ। यहाँ से आप बॉर्डरलेस कर सकते हैं तो पूरे पेज पे आएगा प्रिंट, ठीक है। और अभी मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ बॉर्डरलेस, और स्केलिंग के लिए फिल द पेज या फिर फिट द पेज कर सकते हैं, जिसके अंदर फिट का पेज करेंगे तो उसमें चारों तरफ कुछ ना कुछ रह जाएगा, फिल पेज में जैसे आप देख सकते हैं कंप्लीट होगा। बस ये आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद वापस जाना है और यहाँ से प्रिंट की कमांड दे देनी है, और उसके बाद प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और बस आपका प्रिंट आ गया है।